साथियों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है सफलता को लेकर, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य या संबंधों को लेकर, तो ये वीडियो आप देखिएगा। थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको समझाऊंगा, उन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी। पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी लोग आज अमीर हैं, स्वस्थ हैं, सफल हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे बेसिक कारण को हमें समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। आम इंसान यहीं पर गलती करता रहता है, लगातार अपने जीवन में भटकता रहता है। इन लोगों की सफलता का राज, अमीरी का राज, स्वास्थ्य या संबंधों का राज इनकी अपनी स्किल्स, नॉलेज, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज या डिप्लोमाज नहीं है। नो डाउट ये सब कुछ अच्छा है, हमारे पास में होना चाहिए, मगर ये केवल इसकी वजह से अपने जीवन में सफल नहीं है, स्वस्थ नहीं है, अमीर नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि ये अपने अंदर उस फीलिंग को क्रिएट करना जानते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। साथियों, जिस फीलिंग्स में हम मैक्सिमम टाइम रहने लगते हैं वही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। बहुत लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़ी स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में लगातार संघर्ष है। कारण सिर्फ इतना है दोस्तों, इस दुनिया में जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी क्रिएशन है, वो पहले माइंड के अंदर होती है, उसके बाद ही उसका मैनिफेस्टेशन बाहरी दुनिया में हमें दिखाई देता है। यदि साथियों हम वो सब माइंड के अंदर क्रिएट करना नहीं जानेंगे तो बाहर की दुनिया में कभी भी उनका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसीलिए साथियों हमें समझना होगा कि जो बेसिक गलती हम लगातार करते आते हैं उसे आज से करना बंद कर दीजिएगा। हमारे माइंड को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिससे हम अपने अंदर अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें। जैसा हम चाहें उस तरह की फीलिंग्स में हम रह सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अनट्रेंड माइंड साथियों किधर भी भटकाता है, कहीं भी ले जाता है, हम इसके पीछे चल देते हैं, हम इससे जुड़ जाते हैं। बस यही कारण है कि हम अटक जाते हैं और भटक जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा या लोगों से सुना होगा, माइंड हमें हमारी लगातार असफलताओं को गिनाएगा, हमने क्या खोया पास्ट में हमें दिखाएगा, हमने क्या गलतियां की वो हमें गिनाएगा, हमारे पास क्या नहीं है वो हमें समझाएगा। लगातार हम इसके द्वारा दिखाई गई और समझाई गई बातों में आ जाते हैं और अपने अंदर के थॉट प्रोसेस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को पॉइजनस कर लेते हैं। यदि हमारे पास में जो नहीं है हम लगातार देखते रहेंगे साथियों, तो हम निश्चित ही गरीबी की फीलिंग में रहेंगे। हमारे पास चाहे जो भी हेल्थ है लेकिन कोई भी एक दो कमी है, माइंड लगातार गिनाएगा, दिखाएगा, तो हम बीमारी की फीलिंग में रहने लगेंगे। हमने क्या खोया है उसे लगातार हमारा माइंड दिखाएगा, हम अटके रहेंगे तो हम एक लूज़र की फीलिंग में रहने लगेंगे। हमने क्या गलतियाँ की माइंड उन्हें दिखाएगा, हम उन्हीं में उलझ जाएंगे तो लगातार हम पश्चाताप में या गिल्ट में रहने लगेंगे। हमारे आसपास के लोगों ने क्या हमें धोखे दिए, क्या हमें परेशानियाँ दी, माइंड यदि उन्हीं को दिखाता है और हमें उन्हीं में उलझ जाते हैं तो निश्चित ही साथियों हम उसी फीलिंग में रहने वाले हैं। यदि साथियों हम लगातार गरीबी की फीलिंग में रहेंगे, बीमारी की फीलिंग में रहेंगे, लूज़र की फीलिंग में रहेंगे, विक्टिम की फीलिंग में रहेंगे, तो कभी भी इस जीवन में वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। साथियों मैं फिर से याद दिला दूं, पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना होता है। जब हम यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं उसी के बाद में आउटसाइड वर्ल्ड का मैनिफेस्टेशन हमारे लिए आसान होता है। यदि कुछ आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में आपको आज नहीं मिल पा रहा है, नहीं आप ले पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आप अपने अंदर में उसको क्रिएट करने में सक्षम नहीं है। आपके बिलीफ गलत हो सकते हैं, आपके अंदर और अटकाव या भटकाव हो सकता है, आप कहीं अटक गए हैं, आपको लगता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, आपकी अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम खराब हो सकती है। कारण अनेक है, लेकिन सबसे पहले साथियों आप अपने अंदर की दुनिया में काम करिएगा। बाहर की अमीरी साथियों अंदर की अमीरी का परिणाम है, बाहर का स्वास्थ्य हमारे अंदर के स्वास्थ्य का परिणाम है, बाहर के रिलेशंस हमारे अपने अंदर के द्वारा क्रिएट किए गए रिलेशंस का परिणाम है। सारा कुछ पहले हमें अपने अंदर में करना होगा, बाहर तो फिर अपने आप में सहज उसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा। यदि आज आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं साथियों, तो आप सबसे पहले इस माइंड के ट्रैप से बचिएगा, माइंड की चाल से बचिएगा। माइंड आपको गरीबी दिखाएगा, आपके पास क्या नहीं है, लेकिन ध्यान से समझ लें, इस दुनिया में हर किसी के पास में अपने आप को अमीर फील करने के लिए बहुत कुछ है, बस अपने माइंड को दिखाने की जरूरत है। जैसे ही आप दिखाएंगे तो आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी तो थॉट प्रोसेस भी उसी में से पैदा होगा,
आपके जीवन में नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। साथियों, यदि कोई भी इंसान चाहे तो झोपड़ी में बैठ करके भी अपने आप को अमीरी की फीलिंग में रख सकता है, और बहुत ऐसे लोग हैं साथियों जिन्होंने झोपड़ी से महल तक का सफर तय किया है। यदि कोई इंसान चाहे तो महल में बैठ करके भी गरीबी की फीलिंग में रह सकता है, और ऐसे भी इस धरती पर एग्जाम्पल हैं जो महल से झोपड़ी तक पहुँच गए। साइकिल पे चलने वाला इंसान भी अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर के उड़ सकता है, और एक एरोप्लेन में उड़ने वाला इंसान भी यदि लगातार अपने आप को गरीबी की फीलिंग में रखेगा तो वो भी साइकिल तक आ सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट, लाइफ इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। आप किस तरह की फीलिंग्स में अपने आप को रखना चाहते हैं, ये केवल और केवल साथियों चॉइस आपकी है। माइंड तो आपका ट्रेंड नहीं है, माइंड तो वो करेगा उल्टा ही दिखाएगा, क्योंकि अनट्रेंड माइंड हमें वहां ले जाता है जहां पर कमियां हैं, हम बस वहीं पर फंस जाते हैं। नंबर एक, आपको यही करना होगा, वो गरीबी दिखाए आप अमीरी दिखाना, वो बीमारी दिखाए आप स्वास्थ्य दिखाना, आपने क्या खोया वो दिखाएगा तो आपने क्या पाया उसे दिखाना, आपके साथ लोगों ने कितना बुरा किया, कितने अत्याचार किए, कितने धोखे दिए वो दिखाएगा, लेकिन कितने लोगों ने आपको सहयोग दिया वो भी आपको दिखाना होगा। ये सिर्फ आपको अपने आप ही अपने माइंड का कंट्रोल लेना होगा, सिर्फ उसकी दिशा को बदलना होगा। जैसे ही आप बदलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर की इनर केमिस्ट्री चेंज होने लगी। यूनिवर्स ने, परमात्मा ने अभी तक आपके जीवन में कितना सहयोग किया है आपको दिखाना होगा, वरना माइंड तो लगातार दिखाते दिखाते दिखाना शुरू करेगा कि यूनिवर्स या परमात्मा भी आपके खिलाफ है, आपके पास अब कुछ भी नहीं है, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए एक समय पर आकर के लोग आत्महत्या जैसी तैयारियां भी कर लेते हैं। आपको अपने माइंड का कंट्रोल लेना होगा, आपको उसकी दिशा को बदलना होगा। जैसे ही लगातार आप ये काम करते चले जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, आपकी इमेजिनेशन चेंज हो जाएगी। लगातार करते करते आप पाएंगे कि आप संबंधों को अट्रैक्ट करने लगे, स्वास्थ्य को अट्रैक्ट करने लगे, सफलता को अट्रैक्ट करने लगे, अमीरी को अट्रैक्ट करने लगे, आपका जीवन बदलने लगा। आप अक्सर इमेजिनेशन में साथियों खो जाते हैं, इमेजिनेशन आप पे कंट्रोल में नहीं होती, आप भटक जाते हैं। आप विजुलाइजेशन में आइएगा। विजुलाइजेशन से मतलब है साथियों कि वो गाइडेड होता है, वो कंट्रोल्ड होता है। जैसा आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार अपने माइंड को लगातार दिखाएं, विजुलाइज करें। जब आप उस विजुलाइजेशन में जाएंगे तो आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज होंगी, फीलिंग्स लगातार चेंज होते होते उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। थोड़े से प्रयास तो आपको करने होंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदलने लगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हर किसी के पास में इस वक्त दुखी होने के अनेक कारण हैं, और हर किसी के पास में इस वक्त खुश होने के या डांस करने के भी अनेक कारण हैं। चॉइस सिर्फ हमारी है कि हमें क्या ढूंढना है, क्या देखना है। अपनी दृष्टि का कंट्रोल हमें अपने हाथ में लेना होगा, वरना जीवन में भटकाव लगातार चलता रहेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, वही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। सिर्फ आपको इन्हीं स्टेप्स पर काम करना होगा, आपको अपने माइंड को वो दिखाना होगा जो आपके पास है, आपको अपने माइंड को वो बताना होगा जो आपने पाया, आपको उसे केवल पॉजिटिव दिखाना होगा, बताना होगा, सुनाना होगा, और बहुत जल्दी आप पाएंगे फिर ये उसकी सहज प्रवृत्ति हो जाएगी, उसका पैटर्न हो जाएगा, उसकी टेंडेंसी हो जाएगी। अब माइंड आपका आपके अनुसार ही काम करने लगेगा, आपके जीवन में सुख, संपत्ति, सफलता, समृद्धि अट्रैक्ट होने लगेगी, जीवन आपका बदलने लगेगा। आप साथियों इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, बात छोटी है लेकिन बड़े परिवर्तन लाने की गारंटी रखती है। Thanks for your love and support. See you soon in the next video. Thank you.